रॉन्ग टाइम पिक कर लिया आज यार। चलो आई विल कनेक्ट यू फ्रॉम इनसाइड। ओके। गुड इवनिंग मैम। हाय। हाउ कैन आई हेल्प यू? आई लाइक टू सी ट्रेडिशनल अटायर। कम दिस वे। ओके। Hold, huh? I'll show you one more. Wait, please. You guys don't know the taste of my celebrity. एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है मैम के लिए यहाँ तुम्हारे इस सो कॉल्ड बुटीक में। है ना सर, ढेर सारा। मैडम ने देखा है और कुछ चेंजिंग रूम में लेकर गई हैं। Shut up. Do not argue. So अपना मुंह नहीं, दिमाग चलाओ। Go get something good. How I am looking? You look beautiful, ma'am. वो तो मैं हूँ ही। कपड़ों के बारे में बताओ यू इडियट। अमेजिंग मैम, यू लुक गॉर्जियस। क्या अमेजिंग ब्यूटीफुल गॉर्जियस लगा रखा है। शी मस्ट लुक लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस, आउट ऑफ द वर्ल्ड। बेबी तुम पे सब अच्छा लगे। हे यू इडियट, हाउ डेयर यू टेक माय पिक्चर विदाउट माय कंसर्न। हाउ कैन यू इनवेड माय प्राइवेसी। You don't know how to behave in public? Excuse me? Shut up! तुम्हारे जो मन में आएगा तुम वो करोगी? Don't have manners? You down market? She's mad. Your favorite drink, Miss Kapoor? Shut up! I'm not in a good mood. So you must try very hard to make it better. You understand? I think the new collection will definitely put you in better mood because it's just so good. We hope so. We need a dress for tonight party. If you don't get a pick one for us, then I will. We will make sure your boss fires you. No worries, ma'am. हमारे पास नया collection है जिसे देखते ही you fall in love with. Enjoy your drink, ma'am. मैं आती हूँ. No milk. Excuse me? Coffee without milk? Why it is so hard to remember that Sanam drinks coffee first? Okay. Excuse me, ma'am. Your coffee. Do you like your coffee, Miss Kapoor? I feel better. Which dresses you have for me? We have lots of option. We have this. So cheap like you. Ma'am, this. Nonsense. Ma'am, this. This one is good. If you don't have a taste. Do you have anything normal? These all are rags. You can only mop the floor with them. We need that dress. जो उस लड़की ने पहना है. Definitely. We will arrange it right away. We are glad you like something. मैं अभी आती हूँ मिस कपूर. ये सुनकर आपको बुरा लगेगा लेकिन ये ड्रेस आप पर सूट नहीं कर रही। बट मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद है। नो, ओनली अ बैग लुक गुड ऑन योर बॉडी बट नॉट दिस ड्रेस। बट आई लाइक इट वेरी मच और मैं इसको बाय करना चाहती हूँ। आई विल नॉट टेक इट ऑफ। दिस ड्रेस इज नॉट फॉर सेल सो प्लीज टेक इट ऑफ। बट वाई? यू आर नॉट वर्दी ऑफ सच ब्यूटी। ओनली सक्सेसफुल पीपल कैन वियर इट। टेक ऑफ दिस ड्रेस। आर यू डेफ? Take it off right now. No, I will not take it off. So please you guys leave. ये कैसे हो सकता है कि वो ड्रेस तुम मेरे लिए नहीं लेकर आई? What can I do, Miss Kapoor? ये ड्रेस लास्ट पीस था और ये डाउन मार्केट ड्रेस देने से मना कर रही है। So you could not take the dress away from that girl? We tried. But it didn't work. मुझे हर काम खुद ही करना पड़ता है। Tell me, darling, तुम्हें ये ड्रेस क्यों चाहिए? What do you mean? तुम कहाँ जाओगी ये ड्रेस पहनकर? काम पे? ये ड्रेस पहनकर तुम झाड़ू फटका करोगी? Who are you? Don't you dare to interrupt us and listen. I'm a star and you are nobody. You are nothing in this city. और तुम मुझसे पूछ रही हो who I am? But I know who you are. Like my fans.
dirty, smelly beggars who don't know anything. You understand what I mean? So tum jo bhi ho, take it off this dress and give me. No, I will not give my dress. It's mine. You are so principled, huh? ठीक है, फिर किसी के पास ये ड्रेस नहीं रहेगा. Excuse me. Oh my God, yeah. What are you doing? अब ये बहुत अच्छी लग रही है तुम पर. Have a great evening. Oh my God, what she did? Oh, she tore my dress. क्या लगता है? वो लड़की सनम मैम को कपड़े देगी? नहीं देगी तो खरीद लेगी. उसके पास पैसे की कमी थोड़ी है. सही कहा. मैम, उस लड़की ने आपको भी कपड़े देने से मना कर दिया. वो क्या मुझे मना करेगी? अब मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए. मेरा मूड चेंज हो गया और वैसे भी उसने वो यूज कर लिया. सो हाउ कैन आई वेयर इट? अच्छा किया मैम आपने. आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यूज नहीं करती. गुड डिसीजन मिस कपूर. सो लेट्स पिक अप समथिंग एल्स. नो, यू आर नॉट यूज्ड टू मी. आई विल चूज फॉर माई सेल्फ. एक्सक्यूज मी, सी दिस लेडी टोर माई ड्रेस. हे डार्लिंग, Are you drunk? I've not done anything. What do you think? They believe you? ये लड़की झूठ बोल रही है. No, I'm not lying. Come on, let's go. Trust me, she did this. Please excuse me. मैम, अब तो ये ड्रेस आपको लेनी ही पड़ेगी. और ये सस्ते भी नहीं है. तुम्हारे पूरे साल की कमाई लग जाएगी इस ड्रेस को खरीदने में. और वैसे भी अब ये ड्रेस लेना चाह रही थी तो अब आप ये ले लो. No, I won't pay. She tore this dress. आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं. ये मैंने नहीं किया है. सॉरी मैम, सीसीटीवी आज सुबह ही खराब हुआ है. अब कल ही ठीक हो पाएगा. So you have to pay. No, sorry ma'am. I won't pay. जब मैंने किया ही नहीं तो मैं क्यों पे करूँ? ठीक है, फिर हम पुलिस को बुलाएंगे. अब वही आपसे पैसे निकालेंगे. Wait, 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 ma'am. आप ऐसे नहीं जा सकते. No, no, please don't have my phone. I need it. No, no, ma'am. Please. Cooperate with us. No, no, ma'am. I'm sorry. आपको रुकना पड़ेगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती. सर, इसने ही ड्रेस फाड़ी है. सनम कपूर तो हमारे पहले के कस्टमर है. वो सेलिब्रिटी है, ऐसा नहीं कर सकती है. ठीक है, देखता हूँ मैं. मैडम, गलती तो आपकी है, आपको पेमेंट करना होगा. लेकिन सर, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों पे करूं? ये ड्रेस इस लेडी ने फाड़ी है और मैं इन सबको सुबह से बोल रही हूँ मुझे सीसीटीवी चेक करना है. तो ये बोल रहे हैं कल शाम से खराब है. और सर, जो मैंने गलती की ही नहीं, मैं उसका पे क्यों करूँ? आई वॉन्ट पे. तब तो आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा. और देखिए, वैसे भी आप एक लेडी हैं, ये पुलिस और ये थाने के चक्कर, ये आपके लिए बड़ा महंगा पड़ जाएगा. सनम कपूर को कौन नहीं जानता? ये तो इतनी बड़ी स्टार है, और स्टार हो के ये ऐसी ओछी हरकत करें ये तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा. मेरी आपसे यही सलाह कि आप पैसे दे दीजिए. लेकिन सर, पहले इन्हें बोलिए मेरा फोन वापस करें. इनका फोन वापस करिए. और किसी का फोन लेना उसके बगैर परमिशन इलीगल है. सॉरी सर. हेलो, क्या हुआ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं यहाँ पे आई, मैंने ड्रेस फाइनल की, उनको भी वो ड्रेस अच्छी लगी. मैंने बोला वो मैं नहीं दूंगी, उन्होंने बोला नहीं मुझे यही ड्रेस चाहिए, और उन्होंने वो ड्रेस फाड़ दी. She insulted me so much. मैंने हमारा वीडियो कॉल रिकॉर्ड किया. वीडियो है आपके पास? सीरियसली? ओके ओके, ये देखिए सर, ये देखिए, ये अभी वीडियोज आई है. ये ड्रेस इस लेडी ने फाड़ी और झूठा इल्जाम मुझ पे लगा रही. ये सब रिकॉर्ड है, ये देखिए. अब बताइए आप कैसी है मिस कपूर. आप एक काम करिए, आप एक FIR दर्ज करवा दीजिए. I'll see to it कि इस बुटीक का लाइसेंस रद्द हो जाए. और आप कैसी सेलिब्रिटी हैं आप? सेलिब्रिटी होके इतनी गंदी और ओछी हरकत, शर्म आनी चाहिए आपको. आप अपने फैंस को कैसे मुंह दिखाएंगे? हाँ, और सेलिब्रिटी होके आप सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे? आपको ही इस ड्रेस का पैसा पे करना होगा. I'll pay. Thank you. तो ये तरीका है आपका कस्टमर को ट्रीट करने का? आप नॉर्मल कस्टमर और सेलिब्रिटी कस्टमर में फर्क करते हैं. आप मजाक उड़ाते हैं उनका क्योंकि वो आपके जैसे नहीं दिखते. यू गाइज आर हॉरिबल एंड मीन. ओके एवरीवन, आई एम लीविंग नाउ. बिफोर यू लीव, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. एंड यू नो व्हाट, आई विल अपलोड दिस ऑन सोशल मीडिया. योर फैंस शुड नो अबाउट यू, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. जस्ट सी, आई विल अपलोड इट. लिसन, आई वॉन्ट टू बाय दिस वीडियो. मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी कि तुम उनसे ऐसी 20 ड्रेस खरीद सकती हो. यू वांट टू बाय दिस वीडियो? तुम ये वीडियो खरीदना चाहती हो? लेकिन तुमसे माफी नहीं मांगी जा रही क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी तक पैसा है. मिस कपूर, मनी कांट बाय लव एंड फीलिंग्स. अगर बाय करना चाहती हो ना, तो वो फटी हुई ड्रेस बाय करो. इट बेटर सूट्स यू, ताकि तुम्हें आगे एहसास रहे हु इज डाउन मार्केट.
एंड प्लीज थिंक बिफोर से एक्सक्यूज मी.